नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर के साथ TRS कॉलेज आत्मनिर्भर कहा जा सकता है। यहाँ पर पढ़ने वालों बच्चों को पढ़ाई के साथ रोजगार उपलब्ध करा रहा है कॉलेज प्रबंधन। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। देश आत्मनिर्भर, प्रदेश आत्मनिर्भर, हमारे कॉलेज का छात्र आत्मनिर्भर, पढ़ाई के साथ रोजगार, आत्मनिर्भर विद्यार्थी बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है रीवा का TRS कॉलेज। यहाँ पर रोजगार मेला लगाकर उन बच्चों को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है जो पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकें, साथ ही अपने परिवार की भी मदद कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं एक बार फिर मौजूद हूँ रीवा के TRS कॉलेज में। जैसा कि आपको मालूम है, आज यहाँ पर एक बार फिर से रोजगार मेला लगाया गया है। हर साल या यूं कहा जाए हर 3 महीने में इस तरीके का रोजगार मेला लगाया जाता है। छात्रों को रोजगार दिया जाता है, खासतौर से उन छात्रों को जो अपनी पढ़ाई के साथ अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं। किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को? देखिए, हमारे यहाँ हर बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, उनको किसी तरह की स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है, तो उन बच्चों को भी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता उनको ज़रूरत होती है उसकी। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ जो कंपनीज आती हैं तो या तो वो लोकल जॉब उनको ऑफर करें और ऐसे करें जो वो पार्ट टाइम में कर सके। बच्चे पढ़ाई के अवसर में अपनी पढ़ाई करें और जो बाकी समय है उसमें वो अपना ज्वाइन कर लें उस कंपनी को और वहाँ काम करके वो अर्थार्जन भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जो हमारा फोकस है पढ़ाई के साथ, अगर पार्ट टाइम बच्चों को रोजगार मिल जाए तो उनको आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर हो जाती है, उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती। पढ़ाई के साथ रोजगार, इस कॉन्सेप्ट को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, क्या है जो अभी तक हमारा जो कैंपस या जॉब फेयर का मतलब है वो, चूंकि अभी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश शासन ने रिसेंटली आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस योजना को लागू किया है, तो हमारा ये मतलब लगभग हर महीने जॉब फेयर के रूप में या प्लेसमेंट ड्राइव के रूप में ये हम इसका सिलसिला रख रहे हैं। अभी जैसा मैडम ने बताया कि क्योंकि हमारे पास हर कैटेगरी के बच्चे हैं, काफ़ी टैलेंटेड भी हैं जिनको मतलब वो अपना फर्स्ट कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं, फिर बीच वाले भी हैं जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की उनको आवश्यकता होती है, तो इस तरह की व्यवस्था हम अपने जॉब फेयर के साथ लगातार हम इस तरीके की व्यवस्था करते हैं। अखिलेश जी, देश में आत्मनिर्भर, प्रदेश आत्मनिर्भर, रीवा के TRS कॉलेज का छात्र आत्मनिर्भर, किस तरीके से आत्मनिर्भर बना रहे हैं आप? बिल्कुल, हम लोग माननीय मैडम के निर्देशन में मध्य प्रदेश शासन और हमारा जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके निर्देशन में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत लगातार, जैसा कि आप देखते ही हैं, आपने खुद बताया कि हम लोग लगातार ये प्रयास में हैं कि हमारा जो विद्यार्थी है वो शिक्षा के साथ साथ रोजगार से जुड़ सके और इस दिशा में हम सफल हैं। शिक्षा के साथ रोजगार देने में हम सफल हैं, ये अपने आप में काफी बेहतर बात। मैं अपनी बात खत्म करूं, इनसे भी बात करना बहुत जरूरी है। पवन जी, लगातार आप रोजगार मेले का आयोजन करते हैं, यहाँ पर TRS कॉलेज में आते हैं, कॉलेज से किस तरीके से आपको यहाँ पर से सुविधाएं मिलती हैं? कॉलेज से सबसे अच्छी बात है कि जो हम लोग कैंपस ड्राइव करते हैं जिसमें ऐसा होता है कि 100 बच्चे होते हैं तो 50 बच्चों को लगभग गारंटीड मिल जाता है, तो हमें अच्छा है कि अभी कुछ समय पहले भी हमने किया और रूटीन पे हमें हमारा जो ऑफिस वहाँ पे भी इसी कॉलेज से बच्चे जाते हैं। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि TRS के ही ज्यादातर बच्चे हमें कैंपस के लिए मिल जाते हैं। खुशी की बात है कि TRS के ज्यादातर बच्चे हमको मिल जाते हैं, बच्चों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, एक अंतिम सवाल आपसे कि आपके कॉलेज की काफी संख्या है, बहुत सारे कॉलेज NAC से ए ग्रेड मान्यता प्राप्त है, इस तरीके का क्या आपको लगता है प्रदेश में और भी कोई इस तरीके की उपलब्धियां कॉलेज प्राप्त कर सकता है? ये हम ये कह सकते हैं कि हम इकलौते हैं प्रदेश में? देखिए, हम लोगों का सबका प्रयास है कि हम सब जो हमारा अभी ग्रेड है उससे भी ऊंचे मार्क्स लेकर के और पूरे प्रदेश में अपने कॉलेज का नाम अग्रणी उसमें रखें, ये हम लोगों का प्रयास। पूरे
प्रदेश में हम अपने कॉलेज को सबसे ऊपर देखना चाहते हैं और उसी तरीके का प्रयास करना है। हमारी पूरी टीम की नजर इस टीम पर बनी रहेगी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा प्रदेश में हमारे कॉलेज का नाम रोशन होगा। हम लगातार नजर बनाकर रखेंगे। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।